हमारे पास ये HP डेस्कटॉप GT एडवेंचर 20 प्रिंटर है। इस पे प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन और कॉपी बटन जो है, इन पे रेड लाइट जो है ब्लिंक हो रही है, और यहाँ नीचे डिस्प्ले पे दिखा रहा है Error 3 Error 5। जी दोस्तों, जब भी हम इसमें से कोई प्रिंटर निकालते हैं तो ये बटन काम ही नहीं कर रहा है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने प्रिंटर को यहाँ से ये खोल देना है। जी दोस्तों, दोनों साइड से। जब ये खुल गया तो इसके नीचे दूसरा ढक्कन है, इसको भी खोल दीजिए। इसको खोलने के बाद सबसे पहले आप अपनी इंक की टैंक जो है ये ऑन इस तरह रहती है, इसको आप ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद यहाँ नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो एक इसकी हेड जो है उसको आप यहाँ पे ले आइए। ये हेड यहाँ पे आ गया है, यहाँ एरो दिया हुआ है, इसको आप नीचे प्रेस कीजिए, एक बार ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसको उंगली से आप दबा दीजिए, दोनों साइड कलर्ड हेड और ये ब्लैक एंड वाइट ये वाला और कलर ये वाला, यहाँ भी निशान दिया गया है कि आपने कलर कहाँ फिल करना है और ब्लैक एंड वाइट कहाँ रखना है। इनको आप बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें इंक जो है ज़्यादा आ गई है, और यहाँ पे ये जो इसके प्रिंट पीछे है इस पे भी इंक आई है, जिसकी वजह से इसको पहचान नहीं रहा है और हमारी लाइट्स जो है वो ब्लिंक हो रही है। इसको हम साफ़ करेंगे और फिर दोबारा इसमें लगा देंगे। फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम दूसरी वाली को भी निकालते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम आ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो इंक जो है लगी हुई है इन पे, और नीचे भी ज़्यादा इंक जो है आ गई है। इसको भी हम साफ़ करेंगे और फिर इसमें फिल करेंगे। यहाँ पे हम इसको साफ़ करेंगे। ये हमारी ब्लैक वाली है, इंक अच्छी आ रही है हमारी। इस तरह ये कलर जो है इसमें भी आप देख सकते हो साइडों में इंक लगी है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड जो है, इसको आपने भी साफ करना है। यहाँ पे इसको साफ कर देना है, ये प्रिंट के ऊपर जो भी इंक है ये निकाल देनी है। अगर ये सूख गई है तो आप रोई पेट्रोल में डाल के उसको निचोड़ के उससे इसको साफ कर दीजिए। जी दोस्तों, इस तरह से दोनों जो है हेड के ऊपर जो प्रिंट है उनको साफ कर दीजिए। याद रहे, इन पे कुछ निशान नहीं आ जाने चाहिए, आराम से करना है आपने। अगर आपके पास रोई है उसको पेट्रोल में डाल दीजिए। और यहाँ जो प्रिंट के अंदर जहाँ पे ये हेड लग रही है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो निशान आ गया है इंक के, ये सूख गई है। इसको भी रोई की मदद से पेट्रोल में डाल के निचोड़ के इसको साफ़ कर दीजिए। और जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा सा वेट करके इसमें से आप दोबारा ये जो आपके पास हेड है इसको डाल दीजिए। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे दोनों हेड जो साफ़ हो गए, इसके और बाद इसको दोबारा फिल कर दीजिए आप, वो वहाँ भी साफ़ हो कलर गया को है, कलर और हम की जगह, इसको उसी तरह से डाल देंगे। और ये ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट रेड जो है कलर इस पे फिल करने के कलर की बाद जगह आप रहना चाहिए, और यहाँ पे ब्लैक इसको एंड फिर व्हाइट की प्रेस जगह रहना कीजिए चाहिए। उसके बाद ये ढक्कन को आप और इस प्रेस ढक्कन को कीजिए, पूरा और बंद कर दीजिए। दोनों कभी अगर ढक्कन जो है ढक्कन वो जो है बंद कर लूज़ रहता दीजिए। है तब भी ये अगर वो प्रॉब्लम ढक्कन भी अगर आ लूज रह जाती है। जाए तो वहाँ पे और उसके बाद इसको भी आपको बंद लाइट कीजिए, जो और है यहाँ ब्लिंक पे हो जो जाती है। इंक यहाँ पे है हमने इसको दोनों बंद ऑन किए, यहाँ कीजिए। पे इंक को ऑन कर ऑन करने दीजिए। के बाद इसको आप ऑन यहाँ पे करने के ऑन बाद आप कीजिए, प्रिंटर को ऑन कीजिए, और आपकी लाइट जो ब्लिंक हो रही और आप है थोड़ा सा वो वेट कीजिए। आप ब्लिंक नहीं करेंगी।
और आपका प्रिंटर जो है वो आराम के साथ प्रिंट निकाल सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को यहाँ पे थैंक यू फॉर वाचिंग आम टेक टू। ये लाइट ब्लिंक हो रही है और यहाँ पे हमें रेड लाइट्स आती थी, अभी नहीं आ रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है।